दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं सिंह इज किंग यूट्यूबर को। फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं। जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही मारामारी हो रही है, मैं भी फिलहाल कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, बस ओनली फॉर मेरे घर पे ही हूँ। बस गांव में थोड़े बहुत घूम लेते हैं, और गांव हमारा इतना ही बड़ा नहीं है कि यहाँ पर पुलिस आए पर, लेकिन जहाँ हमारे चौराहे हैं जैसे सुराज समेलिया चैनपुरा वगैरह, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है। और मेरे भीम शहर में तो इतना बुरा हाल है कि अगर जो दिख गया तो उसको मुर्गा बना रहे लोग। कुछ आपको सैंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए। कुछ वीडियो भी इसमें डाल दूँगा मैं आप, ताकि देख सके उन वीडियो को। कुछ लोग तो मुर्गा बना रहे, पुलिस इतने उनको मार। என்ன பக்கடா என்ன கரெக்டா கும்பிடு देखो यार, 31 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, बस वगैरह, ट्रेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह, यू नो, सब कुछ बंद है। तो अगर थोड़े बहुत दिनों के लिए यार अपन भी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करेंगे तभी ये चलेगा देश, वरना यार एक आदमी को अगर ये बीमारी लग जाती है तो पता है कि इटली और इराक में बहुत ही, वहाँ पर मतलब इटली में करीबन 60,000 करीबन है और इराक में करीबन 20,000 से ऊपर होगा जिनकी मौत हो चुकी है। अगर अपन भी इंडिया में करीबन 400 से करीबन ज़्यादा मौत हो चुकी है, ऐसा न्यूज़ में या व्हाट्सएप पे देखा था मैंने। तेरा हम चाहते हैं कि यार हम अपने देश को बचाए कुछ दिनों के लिए, तो ये अपने लिए अच्छा होगा। और वैसे ये जो सरकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है कि यार सारी ट्रेनें वगैरह, सारी बसें वगैरह, सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद हो रखे, तो क्यों नहीं अपन भी इनका साथ दें। अपन भी इनका साथ देंगे तभी ये आगे देश चल पाएगा, नहीं तो वरना यार हम भी इस बीमारी की चपेट में आने के बाद में अगर कहीं पर मैं खुद भी आता हूँ मान लो, तो किसी को टच करता हूँ तो पूरे गाँव में फैल जाती है धीरे धीरे, और मेरी मौत भी हो सकती है इसकी वजह से, मान लो अगर मैं अभी आ जाता हूँ तो। इसीलिए सरकार बहुत बड़ा एक्शन उठा रही है, तो उसका यूँ नहीं कि हम विरोध करते हैं, उसका समर्थन करना चाहिए कि हाँ यार हम इस बात से संतुष्ट हैं, तभी ये सरकार चल पाएगी, वरना तो अपन भी ऐसे घूमते रहेंगे
और मेरे भीम शहर में तो अभी तक ऐसा हाल है कि जहाँ जो भी लोग घूम रहे हैं उनको पोस्टर वगैरह मतलब ये फोटोकॉपी वगैरह करके उनके हाथ में रख के ये लिख दे रहे हैं लोग कि यार ये समाज का या देश का दुश्मन है जो फालतू में ऐसे घूम रहा है। तो नहीं घूमना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि यार ये बीमारी ऐसी है कि पूरे देश को देगी ये। अगर कहीं सर्दी जुकाम बुखार हो तो कोई बात नहीं, पर लेकिन ये बीमारी इतनी बड़ी है कि हम सब मर सकते हैं। जैसे इटली और इराक में जैसे हो रहे हैं उसी तरह हम भी मर सकते हैं। तो सरकार अपना देश को बचा रही है तो अपन भी उसमें सहयोग दे, उसका समर्थन करें, यूँ ना कि फालतू में ये घूम रहे हैं। और अगर आप फालतू में कहीं घूमते हैं तो आपका ही बेइज्जती होगी, कहीं डंडे मार रहे हैं, कहीं मुर्गा बनाया जा रहा है, कहीं आपको बेइज्जत किया जा रहा है। तो आप एक बार ज़रूर सोचें कि यार अपना देश का भला हो रहा तो उसी में अपने सब घर पर बैठे रहे, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सब अपने 31 मार्च तक घर पर रहें, देश जो चल रहा है थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। ये जो सरकार है अपने लिए कर रही है, इस देश के लिए कर रही है, कोई उनके लिए नहीं कर रही है। अगर एक को बीमारी हो जाएगी सारा देश बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए जितना कम हो सके उतना बाहर निकलो और जितना कम हो सके उतना कुछ काम हो तभी बाहर निकले, वरना नहीं निकले। किसी अर्जेंट काम हो तो बाहर निकले, बाकी आपको मुर्गा तो बनना ही है। अगर पुलिस के हत्थे चढ़े तो मुर्गा बनाया जाएगा, बेइज्जत होंगे आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर और ध्यान रखना कि मैं तो यही कहूँगा कि कोरोना वायरस से बचे और अब पूरे देश को बचाएं, इसका समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।